से बात कर रहा हूं, जो बता रहा जोर से मोबाइल बता रहा बदतमीजी को। शराब के नशे में इन साहब को देखिए, इनकी ऐसी हरकतों को देख कौन यकीन करेगा कि ये यूपी के सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं। जी हाँ, सरकार इनको बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छी खासी सैलरी भी देती है, लेकिन जिस काम के लिए इन्हें सैलरी मिलती है ये काम करने के बजाय स्कूल में ही ना सिर्फ शराब पीकर पहुंच जाते हैं बल्कि कभी कभी स्कूल में ही पैक लगा डालते हैं, ये आरोप इन पर लगे हैं। उन्नाव का ये वीडियो बेशक पुराना हो लेकिन जूनियर प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक चंद्र प्रकाश का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो को वायरल उन लोगों ने किया है जिन्हें लगातार शिक्षक की शिकायत मिल रही थी। आप अगर गौर से देखेंगे तो इस वीडियो में शिक्षक वीडियो बनाने वालों से भिड़ता नजर आ रहा है। सीधा चले जाओ, दूर से बात करियो, मोबाइल बता रहा बदतमीजी को, मोबाइल बता रहा बदतमीजी को, हाँ तो फाड़ो जाएगा, तुम मेरे रजिस्टर छीन रहे थे, हम वो तो मोबाइल देख रहा ना रजिस्टर को छीन रहा है, सीधा जाइए आप जाइए, हम कहा कह रहे हैं तुम दारू पी के बच्चों की शिक्षा दे हो, तुम दारू पी के बच्चों की शिक्षा दे हो, बल्कि बच्चों के सामने ही भद्दी भद्दी गालियां भी देता नजर साफ साफ दिख सकता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही थी। बस फिर क्या था, वीडियो को देखने के बाद अधिकारी संजय तिवारी ने गालीबाज टीचर को निलंबित कर दिया, साथ ही जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। यूपी से लगातार ऐसे शिक्षकों के वीडियो सामने आ रहे हैं जो शराब के नशे में ही स्कूल पहुंच जाते हैं। ऐसे में अब शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार को ऐसे शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि भविष्य में कोई शिक्षक इस तरह की हरकत करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करे। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।